दैट इज 34, ठीक है। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 4, सेकेंड क्लास में 65 से लेके 105 तक टोटल लेनी है, तो इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्लास में यहां से लेके यहां तक सारी लेनी है, मींस जो सबको प्लस करना है, तो बेटर टू एड 9 टू दिस, दैट विल बी 23। 4 का 4 आ गया, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22। अब नेक्स्ट क्लास में सारी लेनी है, तो बेटर टू एड दीज टू, दैट इज 44। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को प्लस करोगे 58, नेक्स्ट क्लास में इनको ऐड करोगे कितना आएगा 60, क्यों 68 कैसे आ रहा है, 70 आ रहा है, अभी भी कुछ गलत लिखा है मैंने, ओ ये गलत लिखा है, ठीक है, ये आएगा 42, ये आएगा 56, ये आएगा 64, ये आएगा 68। देखो इधर एक चीज और बतानी है आपको, यहाँ पे जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है और एफ का जो टोटल होता है ये सेम होते हैं, और इफ यू आर नॉट गेटिंग देम सेम, दैट मींस सम मिस्टेक इज देयर इन फाइंडिंग योर सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो याद रखना ये बात। एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो हमने सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है, ये जो केस है ये दो चीजें होती है, एक मोर देन और एक लेस देन, उनमें से किसी एक के जैसा बिल्कुल सेम है उसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने देखनी है मीडियन क्लास कौन सी है, ये जो टोटल आया है एन बाय टू का, उसका जो हाफ किया 34, इसमें से देखो 34 कहां लाई कर रहा है, 34 कहां लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है आपका 34, इससे बड़ा है ना, तो इसमें लाई करेगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास है, ये क्या है मीडियन क्लास, इसमें से सारा डाटा लेना है आपने। लोअर लिमिट क्या आएगी 125, एन बाय टू क्या आएगा 34, सी एफ क्या आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसके ऊपर वाला 22, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास की आनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की आनी है, फ्रीक्वेंसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। एच मींस द डिफरेंस ऑफ दीज टू, दैट इज 20, ठीक है, 20 विल कैंसिल आउट, 125 प्लस 12 दैट इज 137, तो आपका मीडियन आ गया 137, इज इट ओके, इज इट ओके, एनी डाउट, ओके, स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन, आई एम वेटिंग, यू प्लीज ऑल स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन, एक मिनट रुको जरा, सेकेंड नहीं रुको, एक मिनट रुको और देखने दो, सिंपल वाला करो, एक्स वाला मैं करवाती हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो बच्चे आप, यस एवरीवन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप, डू क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप, ओके लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, क्लास इंटरवल्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, हियर यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई दैट आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज,
टोटल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज गिवन है 60, सो लेट्स फाइंड द टोटल एट योर ओन इफ यू वांट टू हैव, यू हैव टू फाइंड, एक्चुअली टू वेरिएबल्स आर मिसिंग, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर एक वेरिएबल मिसिंग होता है तो एक इक्वेशन फॉर्म होती है, टू वेरिएबल्स मिसिंग होती है तो डबल इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन बनेगी मीडियन से, दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस टू गेट द मिसिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, इनको ऐड कर लो 25 प्लस 15 40 प्लस 5 45, ये आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपकी कंडीशन आ गई, तो यहां से क्या आ जाएगा, आप यहां से लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इज इट ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट वन, यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वन इज सेम एक्स प्लस 5 और यू कैन राइट 5 प्लस एक्स, इसमें इसे प्लस करेंगे 25 प्लस एक्स, इसमें इसे प्लस करेंगे 40 प्लस एक्स, इसमें इसे प्लस करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें इसे प्लस करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस 1, हैव यू नोटिस वन थिंग, द टोटल ऑफ दिस एंड द लास्ट वन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम, इफ नॉट सो दैट मीन्स यू हैव टू चेक योर, यू हैव टू फाइंड योर एरर. Now the next is your n by 2. Yes, one thing. Actually, जो n by 2 होता है वहां से आपकी median class decide होती है. But in this question, median is already given as 28.5. तो 28.5 आपने यहाँ नहीं check करना, यहाँ check करना है कि किस class में lie कर रहा है. इसमें lie कर रहा है. So this is your median class. ठीक है? इसमें 28.5 lie कर रहा है. 28.5 इसमें lie कर रहा है. जिसमें आपका मीडियन लाई करेगा वही आपकी मीडियन क्लास होगी, तो ये आपकी मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट आएगी 20, ठीक है, पहले एन निकाल ले, एन कितना है 60 गिवन है, आपने 45 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं लेना, यहाँ पे एन जो है दैट इज अ टोटल ऑफ एफ दैट इज 60, तो 60 का हाफ आ गया 30, मीडियन कितना है 28.5, लोअर लिमिट कितनी है 20, n by 2 कितना है 30, cf cumulative frequency of the preceding class that is 5 plus x upon f that is the frequency of the median class that is 20 into h, h is the class size that is 10, 0 will cancel out, 0 will cancel out, you are left with 2 in the denominator, ye 20 idhar chala jayega, this is 8.5, 28.5 में से 20 माइनस किए 8.5, इधर क्या आएगा 30 माइनस 5 माइनस x बाय 2, 8.5, इसको माइनस करके क्या आ गया 25 माइनस x बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8, एक्स आ गया आपके पास, नाउ यू कैन पुट दिस एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन, पुट दिस एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8 That is 7. तो आपके पास y आ गया 7 और x आ गया 8. That's it for today. अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहे थे वो कंप्लीट कर लो. अब 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, 5, 6, 7 दो क्वेश्चन डिफरेंट है वो मैं करवाऊंगी आपको कल. चलो आप स्टार्ट करो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ, ऑल द थ्री क्वेश्चन दैट आर एग्जैक्टली सेम एज योर होमवर्क. चलो करो स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन.
यू विल नॉट बी एबल टू डू देम विदाउट प्रैक्टिस. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दीज क्वेश्चंस एज होमवर्क, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू आर डूइंग. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर सिंसियर वेरी मच दे मस्ट बी डूइंग, अदरवाइज नॉट श्योर अबाउट द अदर स्टूडेंट. So better if you do it at your own, that will give you practice. Aditya, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सीरीज होती है 0 to 10, 10 to 20, इनको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज है कि एक्सक्लूसिव है? यस श्रियांक, एक्सक्लूसिव. हाँ जी, व्हाई एक्सक्लूसिव? मैम बिकॉज़ वी एक्सक्लूड द लास्ट नंबर, द लास्ट एक्सआई. यस, लास्ट ईयर अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव. और अगर 10 इसी में इंक्लूड हो जाता तो वो इंक्लूसिव हो जाते, ठीक है? राइट नाउ इट इज एक्सक्लूसिव क्योंकि 10 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है? चलो करो स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. तो आप फोर्थ भी कर सकते हो सेम वे में क्वेश्चन. यस अरमान,